कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो फिजिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट या पैसिव टूल होता है जिसमें हम अगर बात करेंगे तो जैसे हम अगर 10th क्लास के लिए बात करें तो इसमें तो सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही पढ़ना पड़ता है और अगर 12th क्लास के शेड्यूल में बात करूं तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अलावा हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ना पड़ता है और कॉम्बिनेशन ऑफ हमें सेल भी पढ़ना होगा। तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसी बेसिस पर या इसी मैं कहूं आपसे कि इसी मेथोडोलॉजी पर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करना होती है। तो आप बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को बिल्कुल बेसिक लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक टूल होता है। ये अगर हमें आ जाएगा तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है वो हमें इजीली हमारे माइंड में क्लिक कर जाएंगे। वो हम 10th लेवल की अगर बात करो 10th लेवल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है, पर अभी हम 10th में हैं, इन फ्यूचर 12th में जाएंगे तो वहां हमें फायदा मिले, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला होता है कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होता है हमारा कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है हमारा कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला बनेगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड बनेगा हमारा कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम एक एक करके बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सीरीज की और फिर हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो थोड़ा सा मैं सीरीज के बारे में आपसे डिस्कस करूं। तो सीरीज मतलब क्या, तो सीरीज मतलब होता है ऐसा टूल जिसमें क्या हो, सारी टर्म्स एक के बाद एक जुड़ी हो, एक लाइन से जुड़ी हो। से एक जुड़ा है उससे अगला आ गया, उससे फिर अगला जुड़ गया, उससे फिर अगला जुड़ गया। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपके साथ में एक और कोई आया, उसने आपका हाथ पकड़ा, वो आपसे जुड़ गया, और उसका भी हाथ पकड़ा, वो आपसे जुड़ गया, उसने भी हाथ पकड़ा, वो से जुड़ गया, मतलब एक चेन बन जाएगी। सीरीज मतलब क्या, सीरीज मतलब होता है चेन जिसमें एक के बाद एक जुड़े हों। जैसे हम घरों में दिवाली के समय पे किसी फंक्शन में हम सीरीज लगाते हैं, सीरीज लगाते हैं मतलब उसमें एक के बाद एक चूड़ा होता है, एक के बाद एक लाइन होता है। या मैं कहूँ कि स्कूलों में जब हम एंथम के लिए जाते हैं या फिर किसी प्रेयर के लिए जाते हैं या असेंबली के लिए जाते हैं तो हम एक के बाद एक बैठे होते हैं, होता है ना कि भाई इस तरह से हम एक के बाद एक हाई वेस्ट में जाते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, वो आपस में जुड़े होते हैं। और आपस में जब हम एक ग्रो बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, और लाइन को अगर हम एक दूसरे को हैंड जो है उनके शोल्डर पर रखें तो इससे से कनेक्ट होंगे तो उसे बोलेंगे उसका सीरीज कॉम्बिनेशन। या अगर उनके हैंड को पकड़ लें और अगर एक दूसरे के हैंड को पकड़ के खड़े रहेंगे तो जो चैन बनेगी उसे बुलाता है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, और उसमें क्या कहता है, एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कस करूं कि मान लीजिए कोई मुझे टर्म दे रखा है इस तरह से, और इसका ये इसका एक टर्मिनल है, ये इसका एक और टर्मिनल है, ये कोड देखा है, ये इसका टर्मिनल है, ये इसका कोड टर्मिनल है, ये कोड देखा है, ये इसका टर्मिनल है, ये इसका टर्मिनल है। तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा मेरा कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें सब टर्म जो है वो आपस में कनेक्ट हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, जुड़ी हुई किसी हो एक सीक्वेंस में कि भाई इसका सेकंड था इसके फर्स्ट जोड़ दिया, इसके सेकंड टर्मिनल को इसके फर्स्ट जोड़ दिया, मतलब एक के बाद एक हम क्या करते गए, जोड़ते गए। जब एक के बाद एक जब जुड़ता है तो उसे बुलाता है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं इसका श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां हम बात करेंगे प्रतिरोधों की, जिसे बुलाता है रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो बड़ा ही आसान सा कॉम्बिनेशन है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा इस पर, जिसे इसे बुलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। थोड़ा सा याद रखो आपको एक बार फिर से कि इस सिंबल को बोलते हैं आप रेजिस्टेंस का सिंबल, इस सिंबल को बुलाता है रेजिस्टेंस का सिंबल, जिसे बुलाता है प्रतिरोध का निशान। और ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा अगर प्रतिरोध है, तो इसमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमें एक दे रखा है रेजिस्टेंस, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, फिर इसके पास में एक और भी रेजिस्टेंस दे रखा है, तो चलिए साहब एक और रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इसके बाद हमें कोई एक और रेजिस्टेंस रखा है, ये हमें कोई एक और रेजिस्टेंस रखा है, इस तरह से हमें कोई रेजिस्टेंस रखे, हमें भाई अलग अलग रेजिस्टेंस रखे हैं, जिसमें मुझे एक रेजिस्टेंस तो रखा था ये रखा है, एक रेजिस्टेंस रखा है ये रखा है, और एक और रेजिस्टेंस मुझे रखा है, मतलब मुझे कितने टोटल 3 रेजिस्टेंस रखे। अब ये रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस है तो इसे बोल लेते हैं कितना, R1, ये दूसरा है तो इसे बोलेंगे R2,
ये तीसरा है तो इसे बोलते हैं कितना आर थ्री बोल लीजिए, है ना कि भाई ये पहला रेजिस्टेंस है तो इसे बोला हमने कितना आर वन, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है तो इसे बोला हमने कितना आर टू, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है तो इसे बोलेंगे कितना आर थ्री बोलेंगे। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट टर्मिनल, ये होगा ना जैसे ये मुझे पैन दिया है, ये मुझे पैन दे रखा है तो ये पैन दे रखा है, ये इसका क्या है एक टर्मिनल और ये जो है वो इसका क्या है सेकंड टर्मिनल, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है क्योंकि ये इसका कौन सा सेकंड टर्मिनल है। इसमें दो टर्मिनल होंगे, होता है कि मेरे लिए जो फर्स्ट हो आपके लिए सेकंड बन जाए क्योंकि मैं इस तरह से देख रहा हूं आप उसको सामने से देख रहे हैं, तो मेरा जो फर्स्ट होगा वो आपका सेकंड हो सकता है, मेरा जो सेकंड है वो आपका फर्स्ट हो सकता है, पर ये तय है कि इसमें हमेशा कितने टर्मिनल होंगे दो टर्मिनल होंगे दो सिरे होंगे। तो ये हमने रेजिस्टेंस लगाया, ये हमने रेजिस्टेंस लगाया, ये बना इसका एक टर्मिनल और इस तरह बनेगा इसका सेकंड टर्मिनल, तो इसे नाम देते हैं कौन सा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हमारा हो गया कौन सा सेकंड, ये हमारा जाएगा फर्स्ट टर्मिनल, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ये हमारा जाएगा फर्स्ट टर्मिनल और ये हो जाएगा हमारा कौन सा सेकंड टर्मिनल। तो दोस्तों हो क्या रहा है आपका कि भाई आपने क्या करा है कि तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, एक को बोला है R1, एक को बोला है R2, एक को बोला है कितना R3 बोला है और तीनों रेजिस्टेंस को आपने जोड़ दिया, साथ ही ये इसका हो जाएगा फर्स्ट टर्मिनल, ये बन गया इसका सेकंड टर्मिनल, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्मिनल, ये बन गया इसका सेकंड टर्मिनल, वो बन जाएगा इसका फर्स्ट टर्मिनल जबकि उधर जाएगा कौन सा सेकंड टर्मिनल। तो वो का क्या कि जब फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को, जब फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दें, मैं देखो ना आर1 मतलब क्या, तो आर1 मतलब क्या फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो आर1 मतलब होता है फर्स्ट रेजिस्टेंस लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल, आर2 मतलब कौन सेकंड रेजिस्टेंस, तो आर2 मतलब हो जाएगा सेकंड रेजिस्टेंस और उसकी जोड़ देते किससे फर्स्ट से, फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, ये हमने देखिए जोड़ दिया, ये जोड़ दिया है ना कि भाई फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, वैसे ही सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट से जोड़ दें, वो कह रहा है सेकंड फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल और जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसका सेकंड टर्मिनल उसको जोड़ देते हैं हम किसी भी एक्सटर्नल और सोर्स से, इसे बोलता है कौन सा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स इसे बोलते हैं बाह्य स्त्रोत, इसे जोड़ रहे हैं इसे एक्सटर्नल सोर्स से बाह्य स्त्रोत से, तो उसके इस तरह के संयोजन को प्रतिरोध के इस तरह के संयोजन को कॉम्बिनेशन को बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसे बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कि व्हेन द सेकंड टर्मिनल्स, ध्यान सुनिएगा, व्हेन द सेकंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस एंड द सेकंड टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस, थर्ड ने बोलते उसे बोल रहा हूं कितना लास्ट रेजिस्टेंस एंड द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड द लास्ट टर्मिनल ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एसी सोर्स, तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जब प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अंतिम प्रतिरोध के पहले सिरे से, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को किसी बाह्य ऐसे स्रोत से या बाह्य स्रोत से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के प्रतिरोधक संयोजन को उसका श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, मैं बड़ी आराम से बात करूंगा आपसे क्योंकि ये चीजें बड़ी पैसिव चीजें हैं, अगर ये आपने समझ ली अभी समझ ले इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, वहां हमारा इतना टाइम नहीं लगना है। तो फिर समझिएगा कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो टू टाइप्स होता है, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने क्या लिखा है कि व्हेन द सेकंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस एंड द सेकंड टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द
first terminal of the last resistance, and the first terminal of first resistance and the last terminal of last resistance is connected by external AC source या external source, तो this combination is called series combination. हिंदी में बात करें कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अंतिम प्रतिरोध के पहले सिरे से और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को जोड़ दिया जाता है किसी बाह्य स्रोत से, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को उसका श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं. फिर बात करेंगे डायग्राम के, लेट R1 R2 R3, लेट R1 R2 R3, पहला R1 है, फिर R2 है, फिर कितना R3 है. Let R1, R2, R3 are the three resistors which are connected into a series combination with external source E. और साथ में battery को मानते हैं कितना K. इसको हम B से बोल सकते हैं, इसको हम B E से बोलते हैं, दोनों बातें एक ही होती हैं. ठीक है, ये बनेगा इसका positive terminal, ये बनेगा इसका negative terminal. तो क्या हो जाएगा कि let R1, R2, R3 are the three resistors which are connected into a series combination with the battery B and key K. हिंदी में लिखिए कि माना R1 R2 R3 जो है तीन प्रतिरोध हैं जो किस में जुड़े गए हैं, समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, माना इस श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं. माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध जो क्रमशः श्रेणी क्रम में किसी बाह्य स्रोत बैटरी बी और मुझे के से जुड़े गए हैं. अब इस सर्किट में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं. करंट फ्लो करेंगे, की को प्रेस करने पर करंट फ्लो होगा और करंट कितना आई आ जाएगा. जैसे हमने क्या करा, कुंजी को दबाया तो परिपथ में कितनी आई धारा बहेगी, परिपथ में आई धारा बहेगी तो आई धारा बहेगी तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा. अब यहाँ भी आएगा, करंट इसमें कितना फ्लो होगा आई होगा. करंट इसमें कितना फ्लो होगा आई होगा. करंट इसमें फ्लो होगा तो कितना होगा आई ही होगा, क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में. भाई आपने क्या करा, आपने कुंजी को दबाया है, अपने की को प्रेस करा है, की को प्रेस करा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा कितना आई होगा, यहाँ करंट फ्लो होगा तो कितना आई होगा, फिर वहां करंट फ्लो होगा तो भी कितना आई ही होगा. और जब करंट आई हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना V3 हो जाएगा. आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमने तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को लगाया है और R1, R2, R3 को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ा है विद द एक्सटर्नल सब बैटरी EB और साथ में की कैसे. अब जैसे ही की को हमने प्रेस करा है तो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कितना आई आ रहा है. अब करंट आई होगा तो करंट फर्स्ट रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तो भी आई होगा, करंट सेकंड रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तब भी आई होगा, और करंट अगर थर्ड रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तब भी कितना आई ही होगा. अब हमेशा देखिए कि करंट की वैल्यू आई आ रही है, करंट की वैल्यू आई आ रही है, करंट की वैल्यू कितनी आई आ रही है. जब करंट की वैल्यू सेम होती है दोस्तों तो हमेशा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना V1 V2 और V3 हो गया. अब हम क्या करें कि देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा अलग अलग है. बराबर, करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है, आई है, आई है, आई है, पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, V2 है और V3 आ रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका डिफरेंट आ रहा है, तो जो अलग अलग आता है उसको हम ऐड करते हैं, उसको हम जोड़ते हैं और निकालते हैं रिजल्टेंट. भाई जो अलग अलग है, जो बिखरा हुआ है, जो बिखरा हुआ है उसको हम समेट लेते हैं, और समेटने के लिए क्या करते हैं कि उनको हम आपस में जोड़ लेते हैं. तो यहां पर देखिए, यहां की अगर बात करूं मैं तो मैं निकालूंगा रिजल्टेंट पोटेंशियल, मान लेते हैं कितना वी है, जिसे बोलेंगे कि परिणामी विभव जो है वो कितना वी आ रहा है. और परिणामी विभव अगर वी आ रहा है तो वी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस कितना V3, कि भाई जितने भी पोटेंशियल दे रखे हैं वो सबको हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा वी आ जाएगा. तो वी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बना. और इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब फर्स्ट डाल लेते हैं. अब दोस्तों यहां की अगर हम बात करें तो वी नो दे हम जानते हैं वो भी किससे, फ्रॉम ओम्स लॉ से, ओम के नियम से. और ओम का नियम बोलता है कि वी इक्वल्स टू होता है कितना आई आर. हमने अभी बात करी है कि जो ओम्स का रूल होता है वो होता है कितना वी इक्वल्स टू आई आर होता है. अब वी इक्वल्स टू आई आर हो गया तो वी तो हो गया पोटेंशियल, आई हो जाएगा करंट, आर हो जाएगा कितना रेजिस्टेंस. पर अगर हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगर हम R1 के लिए बात करेंगे तो V कितना V1,
करंट कितना I, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, देखो ना V is equals to कितना I R आ रहा है, तो V is equals to I R आ रहा है, तो अगर मैं निकालूंगा V1, तो V1 कितना आएगा I R1 है, मैं अगर मैं निकालूंगा V1, निकालूंगा V1 निकालूंगा तो कितना आएगा I R1 आएगा, फिर अगर मैं V2 निकालूंगा V2 निकालूंगा तो कितना I R2 आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना कि V2 निकाला तो कितना I R2 हो गया, फिर अगर मैं सॉल्व करूंगा V3 सॉल्व करूंगा V3 सॉल्व करूंगा तो कितना I और साथ में कितना R3 हो जाएगा, तो चलिए साहब V3 सॉल्व करा ये कितना I और R3 हो गया। एक बार फिर समझिएगा हमने क्या करा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो अलग-अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था तो हमको निकालना पड़ेगा टोटल पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल को हमने मान लिया कितना V माना है, कुल कुल विभव हमने V माना, तो V का जो फार्मूला बना है वो बना है हमारा कितना V1 plus V2 plus V3, और इसके इसमें हमें पता है कि जो ओम्स लॉ होता है वो बोलता है कि V is equals to I R होता है, और V is equals to अगर I R बनेगा यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो V1 जो जाएगा वो कितना I R1 आएगा, जो V2 जो आएगा वो कितना I R2 आएगा, और जो V3 जो आएगा वो कितना I R3 आएगा। अब V1 की वैल्यू I R1 आ गई, V2 की वैल्यू I R2 आ गई, V3 की वैल्यू I R3 आ गई, तो ये देखो ना V1 equals to कितना I R1, V2 equals to I R2, V3 equals to कितना I, और साथ में कितना R3 बना। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो यहां पुट करेंगे पुटें इक्वेशन फर्स्ट, तो V is equals to V1 plus V2 और plus V3 बना। अब V जो है वो कितना I आ रहा है, V1 जो है वो कितना I R1 आ रहा है, V2 की वैल्यू I R2 आ रही है, और V3 की वैल्यू जो है वो कितने I R3 आ गई। अब दोस्तों इस I R को बिल्कुल सेम रखा, यहां से I को कॉमन निकाला तो R1 आ गया प्लस R2 आ गया और प्लस R3 आ गया, इस I से I को हमने कैंसिल करा, और जब इसे हमने कैंसिल करा है तो यहां बचा है R1 प्लस R2 और प्लस R3 बनेगा। देखिए इसी तरह का टर्म बना कि हमने हमने क्या करा कि इस I से I को कैंसिल करा, I से I को कैंसिल करा तो बचा कितना R1 प्लस R2 प्लस R3 बना, तो ये हमारा एक रिलेशन बन रहा है, इस या ये कहो कि रिलेशन बन रहा है या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा जो R बनेगा, और R का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमें यहां पर लास्ट में एक लाइन मेंशन करना होती है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, भाई R जो होता है इसे बुलाता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो लिखेंगे सो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर सेपरेट रेजिस्टेंस। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उन सब के सम क्या होता है इक्वल होता है, सो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर सेपरेट रेजिस्टेंस। इस प्रकार यहां श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध जो R जो है वो इसे बुलाता है परिणामी प्रतिरोध, कि इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध सदैव उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, कि भाई अगर आपने तीन रेजिस्टेंस लगाया है तो R1 plus R2 plus R3 के इक्वल होगा, अगर आप 5 लगा देते तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 के इक्वल होता, तो यहां पर लाइन क्या लिखेंगे आप कि सो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर सेपरेट रेजिस्टेंस। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब जैसे ये तो हमने बात कर ली थी तीन रेजिस्टेंस के लिए, अगर मैं बात कर लेता कि यहां पर n रेजिस्टेंस होते हैं, देखेंगे फोर n रेजिस्टेंस मान लेते हैं n रेजिस्टेंस होते हैं, तो इस केस में क्या होता R is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus Rn है, ऐसा कुछ होगा, या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि R equals to कितना summation I equal to 1 to कितना n, यहाँ पर R I आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे देखेंगे कि अगर n रेजिस्टेंस लगा दिए, n सर्व को हम n प्रतिरोधों में लगा दिया है, तो R की वैल्यू जाएगी R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 up to Rn, और R n है तो इसको हमने R I दिया और समेशन लगा दिया, क्योंकि समेशन का मतलब भी क्या होता है ऐड करना होता है, तो ऐड करना ये कहां से तो I equals to 1 से 5 से वो भी I equals to n तक, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 से 5 तक n तक हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का हमारा फर्स्ट
सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी कम संयोजन।